उधर है कराची? नहीं कराची, हाँ कराची इधर पंजाब है, उधर तक कराची। ये कौन आ गया? ये है टीटी का दूसरा बैटमैन। अच्छा, मेरा नाम निशान है और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। आगे फाइनली आज कितना रोजा, कौन सा रोजा आज आपने रखा? कितने रोजे रखे? मैंने रोजे रखे हैं 13। जी मैंगो जूस 2800 रोजा है, 2800 रोजा है। ठीक है, तो ईद हम सिंध में करेंगे जा कराची, और पहली मरतबा ईद कराची में कर रहा हूँ, वरना सारी जिंदगी करते ही है, लेकिन कुछ मजा नहीं आया। चले, इस वजह से मैंने सोचा कि कैमरे में देख, इसलिए मैंने सोचा कि चलो कराची जाके ईद करते हैं, देखते हैं कितना मजा आता है। चलिए, तो इसको आगे बोलना नहीं आता, आप लोग हमारे साथ बने रहे, इसके व्लॉग को कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट, देखते हैं। फर्स्ट व्लॉग है ना, तो इस वजह से मैं थोड़ा नर्वस। आप किसके साथ ट्रैवल कर रहे हो? किसके साथ ट्रैवल कर रहे हो आप? ये मेरा डिग्री दोस्त है, मेरा माशाल्लाह बहुत अच्छा दोस्त है, और साथ हम जॉब भी करते हैं, काम भी करते हैं, और हमने दोनों ने सोचा है कि यूट्यूब पे आए और कुछ करके दिखाएं लोगों को, धंधा पैसा कमाए, पैसा कमाएंगे, पैसा फिर पैसा जहर सी बात है। तारीख का खाना खाना रोजा रखा नहीं है, क्योंकि सफर करना था, तो इस वजह से। चलो नेक्स्ट जो है हम जर्नी टू जर्नी आप लोगों को गाइड करते रहेंगे, दिखाएंगे आपको, खुद भी देखेंगे क्या क्या देखते हैं। चलो फाइनली गाइस, कानेवाल पहुंच चुके हैं, 2 घंटे का सफर करके उतरते हैं, देखते हैं 25 मिनट का स्टे है इधर, तो देखते हैं इधर कुछ खाते पीते हैं, सवारी बहुत हुई है ना। भूख बहुत लगी है, लेकिन खाने पीने का कुछ खास नजर आ तो नहीं रहा, देखते हैं। चाय लगे हैं, चाय भूख तो काफी लगी थी, लेकिन ना बस कुछ खाने को मिला नहीं है, बस चलो नेक्स्ट स्टेशन पे देखते हैं कुछ खाने को। रात के 3 बज रहे हैं, 8-9 घंटे ट्रैवल कर लिया हम, ना कुछ खाया है, ना कुछ पिया है, और ना नींद पूरी की है, बस इस बैग की वजह से। इसमें ऐसा किया है कि मैं सो नहीं पा रहा, सरप्राइज है, दिखाएंगे आपको जब मैं ऊपर जाके होटल में जाके आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा बैग कि क्या ऐसा कीमती था जिसकी वजह से मुझे नींद नहीं आ रही, टेंशन हुई जा रही है। अभी फिर ट्रेन रुकेगी स्टेशन पे, देखता हूँ, उतरता हूँ, देखता हूँ कुछ खाने को। सुबह हो गई है, 9 बज गए हैं तकरीबन, 9 बजे का इसका टाइम था, लेकिन 9 से ऊपर टाइम हो चुका है, बार बार रोकी जा रहे हैं। पिछला स्टेशन था रन पठाने, फिर इन्होंने रोकी है, बस खुआरी हो रही है, ना ठीक से सोया गया, खाना भी कुछ नहीं खाया, देखते हैं कितने बजे पहुंचती है, अगेन चल पड़ी है। फाइनली कराची स्टेशन पे उतर चुके हैं, हमारी ट्रेन तकरीबन 3 घंटे लेट थी, तो काफ़ी ज़्यादा हमें खजुर खराबी वार हुए हैं। ठीक है,
तो अभी होटल ढूंढ रहे हैं, ढूंढते हैं फिर जाते हैं होटल में, जाके देखते हैं कहाँ पे है। अभी और अखबार होना है, देखते हैं कब सुकून मिलता है। फाइनली गाइस, बहुत ज्यादा खज्जल खवारी होने के बाद होटल पहुंच चुका हूँ मैं। तो आइए आपको रूम दिखाता हूँ, देख लें खुद ही देख लें। इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन बस क्या करूँ, गुजारा करना है क्योंकि खज्जल खवारी बहुत ज्यादा हुई है और मैं रास्ते में सो भी नहीं पाया था क्योंकि मेरे पास सामान था। तो उस वजह से डर भी लग रहा था कि अगर सो गया तो सामान ना कोई ले जाए। तो इस वजह से इधर ही कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।